मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेंट कोलंबस के ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था, टॉपिक चैप्टर फोर में टॉपिक था वर्किंग सेफली ऑन द इंटरनेट। हम लोग इंटरनेट में कैसे सेफ वर्क करते हैं, ये आपका टॉपिक स्टार्ट था। तो अभी तक हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, कंप्यूटर नेटवर्किंग इन द इंटरनेट, नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ठीक है, इन दो टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन किया था। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसका भी हम रिवाइज कर देंगे, ट्रांसफ़र ऑफ फाइल्स थ्रू एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, कंप्यूटर वायरसेस एंड एंटी वायरसेस, स्कैनिंग द हार्ड डिस्क फॉर वायरसेस। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है, एक कंप्यूटर को कई कंप्यूटर से जुड़ के जो नेटवर्क बनाया जाता है वो आपका क्या है, कंप्यूटर नेटवर्किंग। इंटरनेट क्या है, कंप्यूटर नेटवर्किंग का नेटवर्क क्या कहलाएगा, इंटरनेट कहलाएगा, ठीक है। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या है, कोई एक तरह का अरेंजमेंट है, कंप्यूटर का एक तरह का अरेंजमेंट है किसी लॉ के अकॉर्डिंग टू लॉ, जो भी मैसेज वगैरह होगा वो किसी नियम के थ्रू आपके पास पहुंचता है। ट्रांसफ़र ऑफ फाइल्स थ्रू एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स के थ्रू हम फाइल को ट्रांसफर्स करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। कंप्यूटर वायरसेस एंड एंटी वायरसेस, वायरसेस क्या होते हैं, जो आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचाते हैं, एग्जीक्यूट होते रहते हैं अपने आप, वो क्या कहलाते हैं, वायरसेस कहलाते हैं। इन्हीं वायरसेस को ठीक करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, एंटी वायरसेस, ठीक है। और इसके बाद वायरसेस की बात करूँ तो जैसे ट्रोजन, ये सब क्या है आपके वायरसेस हैं। एंटीवायरस क्या है, इनको ठीक करने के लिए एंटीवायरस यूज़ किया जाता है, जैसे क्विक हील और गार्जियन, एवेजी, ये सब क्या आते हैं आपके एंटीवायरसेस, मार्केट में आते हैं, आप उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो। स्कैनिंग द हार्ड डिस्क फॉर वायरस, अब आपके हार्ड डिस्क में अगर वायरस लग चुका है, हम उसको स्कैन करते हैं यानी साफ करते रहते हैं, गिनते हैं, तो वो किसके थ्रू होता है, एंटीवायरस के थ्रू आपका हार्ड डिस्क क्लीन होता रहता है अगर वायरस से अफेक्टेड हो गया है। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा अभी तक, यहाँ पे देख सकते हो, ऑल कंप्यूटर्स इन नेटवर्क आर कनेक्टेड एंड शेयर इंफॉर्मेशन, यानी सभी कंप्यूटर एक नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं और इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। There are three types of networks, LAN, MAN and WAN. तीन तरीके का नेटवर्क होता है, पहला क्या है, LAN, LAN का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, WAN वाइल्ड एरिया नेटवर्क। ये क्या है, स्मॉल प्लेसेस में लगाए जाते हैं LAN, जैसे आपका बिल्डिंग्स हो गया, ऑफिसेस हो गया, वहाँ पे ये यूज किए जाते हैं LAN नेटवर्क। मैन क्या होता है, सिटीज में लगाया जाता है, बड़े बड़े महानगरों में जो एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ते हैं, वहाँ पे कौन सा नेटवर्क यूज़ किया जाता है, मैन। वैन क्या है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क, जो एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ता है वो आपका वैन होता है। इसमें क्या आता है, इंटरनेट, इसका ऑप्शन क्या है, एग्जाम्पल इंटरनेट आपका वैन का एग्जाम्पल होता है, जो एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड थ्रू कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। अब जो इंफॉर्मेशन या मैसेज हम लोग को मिलता है वो एक पैकेट्स के फॉर्म में मिलता है, ठीक है, उसी को हम लोग पैकेट्स बोलते हैं। जो इंफॉर्मेशन आपके पास आपके कंप्यूटर में आती है वो किसके फॉर्म में आएगा, पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं उनके फॉर्म में आते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली। नेक्स्ट, वी नीड एन आई पी एड्रेस फॉर आइडेंटिफाइंग कंप्यूटर एंड ट्रांसफर फाइल। जब भी आप इंटरनेट यूज करते हो तो आई पी एड्रेस होता है, एक आई पी एड्रेस होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। इंटरनेट का जो प्रोटोकॉल्स होगा वो क्या है आपका, आई पी एड्रेस, यानी जो भी मैसेज आपके पास या जो भी इंटरनेट प्रोवाइड होगा वो एक लॉ के थ्रू, यानी एक अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ, आई पी एड्रेस के थ्रू ये आपका मैसेज या फाइल ट्रांसफर आपके कंप्यूटर में होगा, ठीक है।
तो एक आईपी एड्रेस होता है, जब भी आप इंटरनेट यूज करोगे तो आईपी एड्रेस के थ्रू आपका एक होगा जिसके थ्रू आपका फाइल ट्रांसफर होगा। प्रोटोकॉल्स आर रूल्स दैट गिवन डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन कंप्यूटर कनेक्टेड इन ए नेटवर्क। देखिए प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स क्या है, आर रूल्स एक तरीके का रूल्स है, एक तरीके का रूल्स है जो कि हमें डेटा को ट्रांसफर करने में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, जो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है वो नेटवर्क के थ्रू मैसेज का क्या होगा या फाइल शेयरिंग जो होगी, डेटा जो शेयर होगा, डेटा जो दिया जाएगा वो एक रूल्स के थ्रू हमें मिलता है, ऐसे नहीं कि लगा दिया मिल जाएगा, ठीक है। तो वो एक प्रोटोकॉल्स क्या होता है, एक रूल्स के थ्रू आपको डेटा ट्रांसमिशन होगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में, जो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, वही है क्या आपका कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर वायरसेस आर प्रोग्राम्स दैट आर रिटन डिलिबरेटली टू डैमेज ऑन ए कंप्यूटर। जब आप इंटरनेट यूज करते हो तो ढेर सारे वायरस आपके कंप्यूटर में आते हैं, भाई कोई भी साइट होती है पता चला वायरस से इन्फेक्टेड है तो जब भी आप उस फाइल को या उस साइट को एक्सेस करोगे तो वायरस क्या हो जाएगा आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। तो वो क्या करेगा आपके सिस्टम को और आपकी जितनी भी फाइल्स को क्या करेगा, डैमेज करेगा, ठीक है। वो अपने आप को उसमें कमांड कर लेगा और फाइल ऑटोमेटिक क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, अपने आप चलती जाएगी, ऑटो रन होती जाएगी। तो इस तरीके से वायरस यूज आते हैं हमारे सिस्टम में, जैसे ट्रोजन, इस तरीके का वायरस कंप्यूटर में आ जाता है और उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एंटीवायरस। आप किसी भी कंपनी का एंटीवायरस यूज़ कर सकते हो, चाहे क्विकिल का हो, चाहे लैक्सिन का हो, चाहे वास्ट का हो, इस तरीके के एंटीवायरस यूज़ किए जाते हैं। इसलिए पहले से भी आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल कर लो तो आपका कंप्यूटर सेफ रहेगा, कोई फाइल डैमेज नहीं रहेगी, ठीक है। तो इतनी बातें हमने आपको यूज़ किया, इसी को बोलते हैं वर्किंग सेफली ऑन द इंटरनेट। सेफ वर्क कैसे करना है इंटरनेट में, ये हमने अभी तक पढ़ा, होपफुली आपको समझ में आया होगा। और इस तरीके से ये चैप्टर 4 आपका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 5 आएगा जो आपको पढ़ना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।